अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम गुड़ वाले चावल बनाने वाले हैं जिसमें ये चीज़ें शामिल होंगे। सौंफ, किशमिश, तिल, गरी और एक प्याज। ये देखिए व्यूअर्स, ये गुड़ का शरबत हमने बना लिया है और फिर छान के तो इसको वो चावल में शामिल कर लेंगे। बस ये देखें, हम इसमें अभी घी डालते हैं। अब हम इस घी को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। अब ये हमारा घी गर्म हो चुका है और अब इसमें एक कटी हुई प्याज डालेंगे और भूनकर इसको लाइट ब्राउन करेंगे। हल्की हल्की हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हाँ वो गुड़ वाला पानी डालेंगे। अब हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और हम इसमें ये गुड़ वाला पानी शामिल करते हैं। हम इसमें ये सारे का सारा पानी शामिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, अब हम अपनी चीज़ें इसके अंदर शामिल करते हैं। सौंफ, गरी, तिल और किशमिश। अब हम इंतज़ार करते हैं जब तक हमारा पानी नहीं गर्म हुआ, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। आज हम आपको अपने घर के पौधे दिखाते हैं जब तक हमारा ये पानी गर्म हो रहा है।
पौधों में से मुझे सबसे अच्छा व्यू ये ऊपर वाला लग रहा है। नाजरीन ये देखिए, अब ये हमारा पानी गर्म हो चुका है। देखिए ये कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अब ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल मेरे 2 किलो थे और मैंने इसको 1.5 किलो डाला है इसके अंदर। कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, हम नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने 1.5 किलो इसके अंदर खूब डाला। ये देखिए
हमारे चावल अब दाम पे छोड़ने वाले हो गए हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको दाम पे छोड़ेंगे। ये देखिए नाजरी, अभी हमारे चावल पक्कर तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारे चावल पक्कर तैयार हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको ईमान की दौलत से मालामाल करें और अल्लाह सब ताजा कार बनाए। अस्सलामुअलैकुम।